हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक सेशन होता है मात्र 15 मिनट का, तो कल जो है वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग 6th और 7th नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं। अब 2 दिन के हो गए हैं गाइस, तो 26-27 क्वेश्चन है मतलब जो कि हमको कवर करने हैं। ओके, और 20 मिनट के अंदर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, साथ में सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर्स ज्वाइन करना ही करना है। इसके अलावा 23 नवंबर से सुबह 8 बजे वाला जो करंट अफेयर है वो एक बिल्कुल नए रूप के अंदर आएगा, तो सुबह 8 बजे वाला देखा करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वो देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है आपको। समझ गए मेरी बात। इसके अलावा स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, वहां पे आपको काफी अच्छे आरटीई और भी कई अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एक एनजीओ है जो कि अपन ने स्टार्ट किया था, तो उसी का चैनल है स्माइल फॉर ऑल। ठीक है गाइज, चलिए। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अपना रेफरल कोड BHU10 या फिर BHU10 डाल सकते हैं, 10% आपको ऑफ है जो कि मिल जाएगा, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है SSC के अंदर, जहाँ पे मैं कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आपको करवा रहा हूँ। इसी प्रकार ये 450 रुपये पर मंथ में अवेलेबल है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। और इसी प्रकार से UPSC में भी मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2021 के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में आशीष कक्कड़ जी का निधन हो गया, वह एक डैश थे। आशीष कक्कड़ जी की बात करें गाइस तो ये कौन थे, ये एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से ये बिलोंग किया करते थे। ओके, काफी सारे प्रोजेक्ट है जो कि गुजराती मूवी के अंदर किया है। आपने कायपोची पिक्चर देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखिएगा गाइस, हमारे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत जी की है, उसमें राजकुमार राव है, बहुत ही अच्छी मूवी है मतलब, है ना। और इसके अलावा भी और सारी मूवी है जो कि इन्होंने करी है। हाल ही में एक बहुत ही दुर्लभ काले बाघ मेलेनिस्टिक टाइगर को डैश में देखा गया है। तो ये टाइगर दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे देखा गया है, ये उड़ीसा में ही देखा गया है, यहीं पर ये पाया जाता है। देखिए दोस्तों कलर देखिए कैसा है इसका, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेलेनिस्टिक बोलते हैं इसको अपन, मेलेनिस्टिक टाइगर, ये सिर्फ उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। इसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप है जो कि टाइगर के ऊपर होती है और ये जेनेटिकली डिफेक्ट होता है ना, डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। एनिमल के थिक ब्लैक स्ट्रिप है जो कि थोड़े बहुत स्पेसेस के बीच में देखने को मिलती है और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। 70% जो वर्ल्ड की टोटल ब्लैक टाइगर पॉपुलेशन की दोस्तों उड़ीसा के अंदर ही है ना, और ये मेजरली आपको सिम्बिफाल टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलता है। ADB ने डैश में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने, उन्नत करने के लिए 132 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो बिजली को इंप्रूव करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के लिए लोन मेघालय को दोस्तों दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हो मेघालय को ये लोन है जो कि दिया गया है। शिलोंग कैपिटल है, सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बना रखा है, कॉनरेड संगमा दोस्तों यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, NPP इनकी पार्टी है जिनको इसको रिसेंटली हमारे देश की 8वीं नेशनल पार्टी जो है वो माना गया है, और देश और नॉर्थ ईस्ट की पहली पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो कि नेशनल पार्टी बनी है। 60 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ पे नौकरेम दोस्तों फेस्टिवल बहुत फेमस है, इसके अलावा लाहौर डांस बहुत फेमस है, नौकरेक हो गया, बलपकरम हो गया, ओके, सिजू बर्ड सेंचुरी हो गया, ये सारे काफी फेमस है। आइवरी कोस्ट के अवलंबी राष्ट्रपति अलसेन ओटारा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है, तो आइवरी कोस्ट की राजधानी की बात करें तो यामू सोक्रो नाम की दोस्तों इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे अलसाने हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे तीसरी बार अपना 5 साल का टर्म है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, वो वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रैंक है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है, फ्रेंच यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप देखिए वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में फराज खान का निधन हो गया, वह कौन थे। फराज खान दोस्तों एक बहुत ही फेमस अभिनेता थे, ये देखिए आपने मेहंदी मूवी देखी होगी रानी मुखर्जी के साथ में, फरेब, दुल्हन बनो मैं तेरी, और भी कई सारी मूवीज है जो कि इन्होंने 2000 के आसपास करी है, ज्यादा उम्र नहीं थी, 45 साल के आसपास ही थे, चेस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डैश में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है।
सॉरी, तो पर्यटन सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पे? केरला के अंदर किया गया है। ठीक है गाइस, तो केरला के अंदर दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया गया है और प्रसाद स्कीम के तहत दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई। अब आप बोलोगे सर ये प्रसाद स्कीम क्या है? प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। 2015 में लॉन्च किया गया था। यानी कि जो जो ऐसी जगह है जो कि स्पिरिचुअल प्लेस है, धार्मिक स्थल जो है, उनको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे बढ़िया सुविधाएं देंगे ताकि लोग वहां पे आ सके, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। उसी स्कीम का नाम प्रसाद रखा गया था, समझ गए? वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड बढ़िया हो, बेसिक फैसिलिटीज मिले, खाने पीने का सामान मिले, ये सब जो है सुविधा प्रसाद स्कीम के तहत लॉन्च है जो कि करी गई थी। केरला की बात करें, मोहम्मद खान आरिफ खान जी अभी गवर्नर है, पिनाराय विजयनन सीएम, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, 56 के अंदर फॉर्मेशन हुआ। ओनम, विशु, इसके अलावा सबरीमाला, वेटा नराटू, ये सारे त्रिशॉन, नेहरू बोट ट्रॉफी, ये सारे फेस्टिवल है केरला के। हाल ही में कैबिनेट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डैश के बीच एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो हमारे दोस्तों जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर है, हम लोग स्पेन के साथ में मिलकर है जो कि काम कर रहे हैं। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, एमओयू है जो कि साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और साथ में फ्रांस की, स्पेन की एक एजेंसी है। आप देख सकते हैं स्पेन दोस्तों फ्रांस और पोर्चुगल के बीच में है। ओके, पेड्रो इसके प्राइम मिनिस्टर है, यूरो करेंसी चलती है, मैड्रिड कैपिटल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लुहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 1800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। जल विद्युत परियोजना का निर्माण डैश नदी पे किया जाना है। 1800 करोड़ रुपए की बात करें तो सतलज आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ओके गाइस, सतलज रिवर के ऊपर है दोस्तों जो कि ऐसा किया गया है। सतलज रिवर की बात करें तो माउंट कैलाश से इसकी शुरुआत होती है। ये देखिए मैप, देखिए दोस्तों ये देखिए मैप। ओके, अमृतसर से होते हुए दोस्तों गुजरती है और कई सारे बाकरा, नाफ्ता, जाकरी, कई सारे प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहे हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की बात करें तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, 5 नवंबर को डेंजर ऑफ सुनामी को अवेयरनेस को लेकर इसको मनाया जाता है। ये दोस्तों जापान के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, जो ये रैपिड मूवमेंट होता है ना ओशन के फ्लोर का, इसकी वजह से क्या होता है कि ये वेव्स जो है इसकी हाइट है जो कि बढ़ती है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे कॉपरेशन अफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश, CARAT, कैरेट 2020 जो लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के साथ में, ये दोस्तों यूएस के नेवी ने किया है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, कैरेट है नाम है इसका, तो इस तरीके से कैरेट से आप इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। बांग्लादेश अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, 72 में आजाद हुआ, टका यहाँ पे करेंसी है, 16 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। ओके, स्वाधीनता पुरस्कार 2020 जो है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है बांग्लादेश का, वो दोस्तों कई लोगों को दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया 50वीं इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, और WHO रिकॉग्नाइज्ड COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए ही बांग्लादेश ने बोला है, और बंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश की एक्साइज भी हुई है। इसरो ने 7 नवंबर को EOSOI के प्रक्षेपण का कार्यक्रम निर्धारित किया। EOSOI एक डैश उपग्रह है, तो ये कैसा उपग्रह है दोस्तों ये आपको बताना है। और ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो ने शेड्यूल किया है दोस्तों इसको लॉन्चिंग को, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, EOSOI जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। EOS का मतलब यही हुआ यार, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम है जो कि करती है। और भी बहुत सारे हैं, रिसोर्स सेट है, कार्टो सेट है, रिसेट है ना, मेघा है, सरल है, ये सारे ये सब यही काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू करी है? तो वाह यार सही चीज है, प्लास्टिक दो और मास्क ले जाओ, बढ़िया यार। देहरादून के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया, उन्होंने डैश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो सतीश प्रसाद सिंह की बात करें तो उनका निधन हो गया, ये बिहार के दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य है जो कि किया है। बिहार की बात करें, पटना कैपिटल, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 243 विधानसभा, 39 लोकसभा, 16 राज्यसभा की सीटें हैं। ओके, जनरल फैक्ट्स की बात करें तो
तो 11% दोस्तों बिहार जो है वो अर्बन एरिया में रहता है, बाकी सारे गांव के अंदर रहते हैं। 58% बिहार के जो बच्चे हैं, जो अपने यूथ है, वो 25 साल से कम का है। साथ में आपको मालूम है दोस्तों, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिथिला के अंदर माना जाता है मॉडर्न डे बिहार के अंदर। और गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट भी बहुत गया में हुआ। 12वें तीर्थंकर जो थे है ना, उनका भी जन्म हुआ। महावीर जो थे उनका भी वैशाली में जन्म हुआ। काफी जबरदस्त इतिहास है जो कि हमारे बिहार का रहा है। वाल्मीकि हो गया, ओके, विक्रमशिला हो गया, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, डीजीपी थे। मोदी जी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट फाइबर स्कीम है जो कि बिहार में लॉन्च करी है। कोसी रेल महासेतु उसका इनॉग्रेशन किया गया। मोदी जी ने 3 नए और प्रोजेक्ट है जो कि पेट्रोलियम सेक्टर में दिए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल पास किया है? तो 75% जो आरक्षण का बिल की बात हो रही है, ये हरियाणा के द्वारा दोस्तों किया गया है, जहां पे 50,000 रुपए पर मंथ से दोस्तों कम की सैलरी है। हरियाणा के बारे में मालूम होगा, 22 राज्य, सत्यादेव यहाँ पे गवर्नर जी है, 90 विधानसभा, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। मेजर डैम की बात करें तो हथनीकुंड हो गया, ओके। फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एशियन सिविलाइजेशन दोस्तों राखी गढ़ी यहीं पर ही है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है पंजाब के बाद में। करोह पीक है दोस्तों जो कि यहाँ पे सबसे ऊंची मानी जाती है हरियाणा के अंदर। भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को फरवरी 2021 तक लाने में लॉन्च किया जा सकता है। कोवैक्सीन का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। तो कोवैक्सीन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा? प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक, उसके द्वारा दोस्तों किया जा रहा है आईसीएमआर की मदद लेके। निम्नलिखित अंतरिक्ष एजेंसी में से किसने मिल्की वे आकाशगंगा में फास्ट रेडियो बर्स्ट की सूचना दी है? तो आकाशगंगा में फास्ट रेडियो बर्स्ट की जो सूचना नासा के द्वारा दोस्तों दी गई है, ठीक है, पहली बार ऐसा फास्ट रेडियो बर्स्ट है जो कि देखने को मिला है। पावरफुल न्यूट्रॉन जो है ना, उसके वजह से होता है, स्पॉट होता है उसी के अंदर, ठीक है। फास्ट रेडियो जो बर्स्ट है ये ब्राइट होते हैं, मतलब एक रेडियो वेव से जो कि प्रोड्यूस होती है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ओके। बहुत ही कम इनकी ड्यूरेशन होती है देखने की। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की कि असम के बागजान के तेल के अच्छे प्रहार को नियंत्रित करने के लिए एक नई इकाई की जरूरत डैश में लगाई जानी है। तो ये दोस्तों एक नया जो है टेक्निक यूज कर रहे हैं जो कि कैनेडा से ली गई है, ताकि ऑयल का जो वेल है ना, वो भी कई बार जो है ना आग लग जाती है, वो सब ना लगे, इसको लेकर कनाडा से मदद है जो कि ली जा रही है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पे जूलिया गवर्नर जनरल, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, ओटवा यहाँ पे कैपिटल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू करी है? फोर्टिफाइड चावल के लिए दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च है, जो कि करी गई है भूपेश बघेल साहब जी के द्वारा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ओके। राइस के अंदर काफी चीजों की रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो जाती है, इसीलिए इसको दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात कर, अनुसुईया जी गवर्नर है, 90 लोकसभा विधानसभा, 11 राज्यसभा, 5 राज्यसभा की और 11 लोकसभा, 90 विधानसभा की सीटें हैं। फेस्टिवल में बस्तर, मदाई, चंपानेर, हवेली, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील का बहुत बड़ा सोर्स है ये। भिलाई भिलाई को जो है, भिलाई स्टील पावर प्लांट है ना, उसको सेल ये जो है वो मेंटेन करती है। 20% कंपनी का टोटल सीमेंट प्रोडक्शन कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। कोल का भी होता है यहाँ पे। धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को ऐसे ही नहीं कहते हैं, कुछ कारण होगा तभी तो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है इसलिए कहते हैं उसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट सिटी बताया गया था अभी क्लीनेस सर्वे के अंदर। और पढ़ाई तोहर पारा नाम से एक स्कीम लॉन्च करी गई थी स्टूडेंट के लिए। निम्नलिखित में से किसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एमडी और सीईओ बनाए जा रहे हैं किसके? ओएनजीसी के। किसको बनाया जा रहा है? ए के गुप्ता जी को। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है गाइस, जिनको बनाया गया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की बात करें तो ओएनजीसी जैसे कि हमारे यहाँ पे काम करती है, वैसे विदेशों में विदेश लिमिटेड है जो कि कंपनी काम करती है। निम्नलिखित में से किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों के लिए मोटो चैनल टनल का उद्घाटन किया है? तो मोटो टनल का जो उद्घाटन किया गया है गाइस, ये कहाँ पे किया गया है? ये क्या गया है आपके पाकिस्तान के अंदर, ओके। मोटो टनल फॉर टूरिस्ट आफ्टर एट द अयोध्या नेशनल पार्क, ठीक है। तो वैसे टूरिस्ट वैसे बड़े कम आते हैं, तो
कोशिश कर रहा पाकिस्तान की भी आ जाए थोड़े बहुत। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये 7 नवंबर को दोस्तों, नहीं 6 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जो संघर्ष होता है ना युद्ध के टाइम पे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओपेक देशों के सदस्यों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक की मुख्यालय की बात करें तो वियना, दोस्तों वियना के अंदर इसका मुख्यालय है। ओके, 13 राज्य है इसके, 13 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है, देख सकते हो आप। बगदाद के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेक्रेटरी जनरल बार्किंडो है अभी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सातवाहन धानम का शुरुआत किया है? सातवाहन, ये किसके द्वारा किया गया है? ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। ओके, इंटरनेशनल सातवाहन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पोएट्री के अंदर बातचीत होगी, इसके अंदर और भी बहुत चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पीआरपी प्रणाली को देखने के लिए निम्नलिखित 4 सदस्य समिति का प्रमुख कौन होगा? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, टीआरपी। तो यहाँ पे दोस्तों, जो अध्यक्षता करने वाले लोग की बात करें, 4 सदस्य समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, ओके, वो किसको बनाया गया है? आपके प्रसार भारती के जो सीईओ है ना, उनको क्या नाम है? शेखर वेम्पति। ये देखिए, शेखर जी को दोस्तों इस कमेटी का हेड है जो कि बनाया गया है। ओके गाइस, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सुबह 8 बजे वाले में कैसे टीआरपी नापी जाती है और एडवर्टीजमेंट देने में ये काफी काम आती है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने माइन के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम है जो कि शुरू किया है? तो ये व्यापक जो स्टार्ट किया गया है, ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, मुंबई में हेडक्वार्टर है, संदीप बख्शी जी अभी सीईओ है। 1994 में वडोदरा में शुरुआत करी गई। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 पर टिल वी विन पुस्तक के लेखक है? टिल वी विन की बात करें तो ये पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है राजदीप गुलेरिया जी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। टिल वी विन, ये एम्स के डॉक्टर राजदीप जी के द्वारा और दो और डॉक्टर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो बुनेस्टेन या PHU10 यूज कर सकते हैं। और ठीक है गाइस, वापस से मिलेंगे मंडे को क्लासेस में, सुबह 9 बजे वाली में, 9 और 10 बजे मतलब जो भी होती है आपकी क्लास। ओके, फाउंडेशन बैच आप SSC का ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर। जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे कवर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, गोल सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, 6-12 महीने का लीजिएगा। रेफरल कोड में पूछेगा तो BHU NESH BUNES10 या फिर BHU10 डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। 10% ऑफ, क्रेडिट पॉइंट सब काम में ले लेना, सस्ता पड़ जाएगा। यूपीएससी और SSC दोनों के अंदर है जो कि मेरा कोर्स है जो कि चल रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे, महिला T20 चैलेंज का तीसरा सीजन डैश में शुरू हुआ तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये आपको बताना है। ओके गाइस, तो ये थे 2-3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं क्लासेस के अंदर।